हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के आंसर की और रिज़ल्ट कब तक आपके घोषित किए जा सकते हैं और साथ ही साथ आपकी कब इसकी टाइपिंग टेस्ट की एग्ज़ाम होने वाली है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये है आज की राजस्थान अखबार में प्रकाशित की गई खबर, जिसके अनुसार राजस्थान कनिष्ठ सहायक भर्ती परिणाम अगले महीने के अंत तक जारी होने की संभावना है। इसमें दिया गया है दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ली गई कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम अगले महीने के अंत तक आ सकता है। इसके पूर्व बोर्ड इस परीक्षा की आंसर की जारी कर आपत्तियां मांगेगा, यानी कि सबसे पहले आपकी आंसर की अपलोड की जाएगी, इसके बाद आपके 5 से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। यह जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष बीएल जाटावत ने रविवार को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बीएल जाटावत की अगुवाई में ज्ञापन देने पहुँचे अभ्यर्थियों को दी। प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि बोर्ड द्वारा 11,255 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश के करीब 6.75 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इन अभ्यर्थियों को अब इस परीक्षा की आंसर की और इसके बाद परिणाम का इंतजार है। बोर्ड द्वारा अब तक आंसर की जारी नहीं की गई है, इससे अभ्यर्थी में परेशानी बढ़ रही है। यादव ने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष बीएल जटावत ने प्रतिमंडल को जानकारी दी कि आगामी 20 दिन के भीतर, यानी कि आपके आने वाले 20 दिन के अंदर इस परीक्षा की आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। ये खबर आपको कैसे लगी है? अगर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, 20 दिन के अंदर अगर आपकी आंसर की आ जाती है, दैट मीन्स आप ये मान के चलिए इस आंसर के आने के बाद 5 से 10 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके करीबन 1 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम होगी, यानी कि 2019 में ही इसके टाइपिंग एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।